हेलो दोस्तों, डेटा सानू का एक नए एपिसोड में मैं मन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मोटोरोला ने मोटो जी सिक्स और मोटो जी सिक्स प्ले दोनों ही स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, मैं आज दोनों ही स्मार्टफोन के बीच में आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और मेरा ओपिनियन भी बताऊंगा कि यह स्मार्टफोन अभी 2018 के जो जून में लेने लायक है। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मेरे वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों, पहले हम मोटो जी सिक्स प्ले का स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक मिड रेंज स्मार्टफोन के बीच आता है। मतलब इसका प्राइस रखा है मोटोरोला ने 11,000 रुपीज़। दोस्तों, इसका स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 5.7 इंच का 1440x720p वाला डिस्प्ले। मतलब यहाँ पर आपको 2.5D कॉर ग्लास के साथ साथ आपको गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है। लेकिन ये फ़ोन में मुझे खास नहीं लगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 720p का डिस्प्ले मिलता है। तो मोटोरोला क्या कर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 11,000 रुपीज़ में आपको 720p का डिस्प्ले दे रहा है। दोस्तों, मोटो जी सिक्स प्ले का प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रॉन का 430 प्रोसेसर, जो 28 नैनोमीटर के ऊपर बेस है, और 1.4 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। दोस्तों, इसमें आपको 3 GB का रैम, 32 GB का इंटरनल मेमोरी मिलता है, डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी आपको मिल जाता है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के ऊपर मेरा ओपिनियन की बात करूँ तो दोस्तों, मुझे ये स्मार्टफोन काफ़ी हद तक मुझे इंप्रेस नहीं लगा, क्योंकि 11,000 के अंदर अगर आप कुछ स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं तो इसमें डुअल कैमरा भी होना चाहिए। लेकिन इसमें आपको 13 MP का रियर कैमरा मिलता है और 8 MP का फ्रंट शूटर मिलता है। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं मोटो जी सिक्स स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों, इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रॉन का 450 प्रोसेसर, जो 1.8 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, वो 14 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, इसमें आपको डुअल कैमरा मिलता है, 12+5 MP का डुअल रियर कैमरा, 16 MP का फ्रंट कैमरा। दोस्तों, दोनों फोन में आपको ग्लास बैक आपको देखने में मिलता है। मोटो जी सिक्स के बाकी सारे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 5.7 इंच का आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। इसमें भी आपको 2.5D कर्व ग्लास के साथ साथ आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन में आपको 3000 mAh का बैटरी मिलता है विद आपको फास्ट चार्जिंग। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के बीच में मैं सिंपल से मैं आपको ओपिनियन बताऊँ तो मोटोरोला क्या कर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, जो मोटोरोला का पुराना वर्जन था मोटो G5 में भी आपको स्नैपड्रॉन का 625 प्रोसेसर मिलता था। लेकिन अगर आप G5 में 625 दे रहे हैं और इसमें आपको G6 में आप दे रहे हैं स्नैपड्रॉन का 450 प्रोसेसर, ये कहाँ का लायक है मुझे पता नहीं चल रहा है। उसका प्राइस की बात करें तो मोटो G6 का प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 GB और 32 GB वाला मॉडल का प्राइस आपको 14,000 रुपये, और आपको 4 GB और 64 GB वाला का प्राइस आपको तकरीबन 16,000 रुपये में आसपास मिल रहा है। दोस्तों, ये दोनों ही स्मार्टफोन मैं आपको सिंपल से बताऊं, अगर मुझे फ़ोन खरीदना होना हो तो ये दोनों फ़ोन को बिल्कुल भी अवॉइड करना सही होगा। क्योंकि हालांकि मानता हूं मैं मोटो जी सिक्स प्ले, जो मोटो का जी सिक्स मॉडल है, उसका कैमरा थोड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि इसमें आपको एपेचर मिलता है f/1.8 का। मतलब यहाँ पर आपको लो लाइट फोटोग्राफी थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या फ़ायदा अगर आप मोटोरोला क्या कर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। पहले जो मोटोरोला के सेट आते थे बहुत ही अच्छे अच्छे आते थे, लेकिन लेनोवो के साथ आने के बाद मोटोरोला के जो ग्राफ है काफ़ी हद तक नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। मोटोरोला इसमें आपको दोनों में आपको प्योर स्टॉक 8.0 मिलता है, कभी पी का अपडेट आएगा ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि मोटोरोला अपने अपडेट सिस्टम में पहले वो अच्छे अच्छे देता था, लेकिन अभी मोटोरोला के जो अपडेट सिस्टम होते हैं इतने अच्छे नहीं होते। तो सिंपल से मैं कंपैरिजन करूँ, ये एक ऑनलाइन मार्केट वाला फ़ोन है। ऑनलाइन मार्केट में जो Realme 1 SS का Zenfone Max Pro, Redmi Note 5 Pro के साथ सिंपल से मैं कंपैरिजन करूँ तो वो वाला फ़ोन कहीं ज़्यादा बेटर होगा इससे। क्योंकि 16,000 रुपीज़ के प्राइस में अगर आप स्नैपड्रॉन का 450 दे रहे हो 2018 के जून में, तो आप मार्केट में कहाँ टिकने वाला है ये तो सोचने वाली बात है। दोस्तों, आप मोटो का G6 और मोटो G6 प्ले के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया, ताकि मुझे भी पता चले आप मोटो G6 प्ले और मोटो G6 के बारे में क्या सोचते हैं। मेरा ओपिनियन तो आपने सुन लिया, मुझे ये दोनों स्मार्टफोन इतना ज़्यादा इंप्रेस में नहीं हुआ, और प्राइस बहुत ही हाई प्राइस पर इंडिया में लॉन्च हुआ है। जो स्नैपड्रॉन 450 का जो प्राइस तकरीबन मैं मानता हूँ 8 से 10 हज़ार रुपीज़ के प्राइस के अंदर ठीक है, लेकिन 16,000 रुपये में स्नैपड्रॉन 450 बिल्कुल भी अच्छा प्रोसेसर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और बेल आइकन को नहीं दबाया तो जल्दी जल्दी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।